असलकम लेक्चर नंबर थर्टीन में हम एक थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे हमने डेफिनेशन भी क्लियर ऑफ सेट की पीछे वाले लेक्चर में पढ़ी थी और वो हमारे पास एक थ्योरम भी है वो थ्योरम ये है क्लेयर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पीछे देखा था कि जब हम किसी सबसेट ए का क्लियर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है ए का ठीक है अब हम इसको प्रूव भी करेंगे वी नो डैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड सेट अगेन कि आपके पास जितने भी क्लोज्ड सेट हैं फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी क्लोज्ड सेट हैं जब आप क्या करते हैं इनका इंटरसेक्शन लेते हैं इनका इंटरसेक्शन लेने से आपको एक आंसर मिलता है तो वो भी आपके पास क्या होता है क्लोज्ड ही होता है ठीक है इस बात को याद रखना है सो क्लियर ऑफ ए बींग द इंटरसेक्शन ऑफ इस क्लोज्ड सुपर सेट इज़ आल्सो क्लोज्ड एंड सुपर सेट इसी तरह क्लियर हम क्या कहते हैं हमने कहा था कि हम इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज्ड सुपर सेट का यही बात हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में क्लियर की मतलब ये कि ये हमारे पास क्लोज भी हैं ए के ये क्लोज्ड सेट भी हैं और ए के सुपर सेट भी हैं तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर हमारे पास क्लोज भी होगा और वो हमारे पास सुपर सेट भी होगा ए का ठीक है ये बात उसने लिखी है कि क्लियर ऑफ ए बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ इज़ इट्स क्लोज्ड सुपर सेट इज़ क्लोज्ड एंड आल्सो इट्स सुपरसेट कि अगर आपके पास ये ए था ठीक है ये सेट ए और ये तमाम के तमाम इसके क्लोज्ड सुपर सेट थे यानी ये सेट क्लोज भी हैं और इस ए के सुपर सेट भी हैं ठीक है तो कहता है जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे ना इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर भी क्लोज होगा और इस ए का सुपर सेट होगा ये बात उसने की है वी आल्सो नो डैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ सेट इज़ आलवेज आ सबसेट ऑफ ईच ऑफ सेट इसका मतलब पता क्या है कि अगर आपके पास ये सेट थे ठीक है इन सेट का जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास एक आंसर आ गया कहता है ये वाला जो आपके पास आंसर आता है ना ये इसका भी सबसेट होता है इस सेट का भी सबसेट होता है और इसका भी सबसेट होता है आप देख भी सकते हैं ये देखें कि आपके पास वन टू थ्री एक ये सेट है इसका इंटरसेक्शन ले लें ले आप टू थ्री फोर के साथ और इसका इंटरसेक्शन आप ले, ले लें वन टू थ्री फोर फाइव अब इन तमाम का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है वन इसमें है इसमें नहीं है आ ही नहीं सकता टू इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है थ्री इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है इसमें फोर है लेकिन इसमें नहीं है तो इस आपके पास टू थ्री इंटरसेक्शन आ रहा है और जो आंसर आया आप देख सकते हैं कि ये इसका भी सबसेट है ये वाला इसका भी सबसेट है और टू थ्री इसका भी सबसेट है तो इसने ये लिखा कि वी नो डैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इज़ आलवेज़ अ सबसेट ऑफ ईच सेट हैंस क्लयर ऑफ ए इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए तो जो हमारे पास इसका मतलब क्लयर आया है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है मतलब हमने इसको दो स्टेप में प्रूव किया इस थ्योरम को वो दो स्टेप क्या थे पहला स्टेप ये था हमारे पास कि हमने क्या किया है ए के क्लोज सुपर सेट लिए मतलब ये आपके पास एक सेट ए था ये इसके क्लोज्ड सुपर सेट थे इनका कहता जो इंटरसेक्शन लिया वो भी क्लोज्ड और ये भी क्या आया ये भी आपके पास क्लोज भी था और इसका सुपर सेट भी था और दूसरी इस वाली स्टेटमेंट में आपने क्या प्रूव किया आपने कहा कि जो आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर आता है ये इन तमाम का सबसेट होता है ये इन तमाम का क्या है सबसेट होता है तो इसका मतलब ये क्लोज्ड सुपरसेट जो आपके पास आंसर आया था ये क्या है ये स्मॉलेस्ट है ये क्या है ये स्मॉलेस्ट है तो डेफिनेशन क्या प्रूव करनी थी यही तो प्रूव करना था कि क्लियर ऑफ़ सबसेट ऑफ ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए कि वो आपके पास स्मालेस्ट क्लोज सुपर सेट होना चाहिए ए का तो हमने साबित कर दिया कि आपके पास जब कोई सेट ए होता है उसके क्लोज्ड सुपर सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो क्लोज्ड और सुपर सेट ही होता है आपके पास और वो जो क्लोज सुपर सेट होता है वो स्मालेस्ट आपके पास होता है तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया कि किसी भी सेट का जब भी हम क्या करेंगे क्लियर लेंगे तो वो स्मालेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा ये इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे अगर इसमें किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़